कल जैसे ही फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद टीयर गैस मतलब आंसू गैस के गोले ड्रोन से टपकते हुए दिखाई देने लगे। ऐसे में कई लोगों के जहन में सवाल उठने लगा कि आखिर ये गैस ऐसी कैसी होती है कि इससे आंसू निकल आते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई आखिर ये हुआ क्या है। अब भले ही वहां पर किसान 10,000 रुपए की पेंशन हर महीने देने के लिए आंदोलन कर रहे हो, लेकिन मुद्दा यह है कि भाई टीयर गैस वहां पर क्या है। दरअसल कृषि कानून पर किसान आंदोलन इस समय शुरू हो चुका है, इसको 2.0 भी कहा जा रहा है। इसी पर शंभू बॉर्डर पर किसान और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक पुराना हथकंडा है आंसू गैस छोड़ने का, तो आंसू गैस के गोले यहां पर भी दागे गए। और तब से ही इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है कि आंसू गैस भारत में ही नहीं बल्कि ज्यादातर देशों में एंटी प्रोटेस्ट वेपन बनकर उभर चुका है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो कि प्रदर्शनकारियों या दंगाइयों को डराने में काम आती है। आंसू गैस इसी में से एक है। इनमें से कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिससे कि म्यूकस मेम्ब्रेन में दिक्कत होती है, आंख नाक से पानी आता है, छींक और खांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म रहता है, थोड़ी देर बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। कई और केमिकल इरिटेटिंग होते हैं जो कि स्किन पर असर डालते हैं, इससे खुजली और जलन होने लगती है। इस दौरान प्रोटेस्ट करने वाले तितर बितर हो जाते हैं। इसमें पानी की तेज धार एक खास दिशा में छोड़ी जाती है जो प्रदर्शन को बिखरा देती है। वैसे वाटर कैनन ज्यादातर आग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन दंगा या प्रोटेस्ट कंट्रोल में भी आज की तारीख में इनका इस्तेमाल होता है। एक तरीका और है जिसे कि डिसओरिएंटेशन डिवाइस कहते हैं। ये एक पायरोटेक्निक ग्रेनेड है जिसमें आवाज और रोशनी से ऐसा असर पैदा किया जाता है कि लोगों का फोकस चला जाए। इससे कानों को फाड़ने वाली और आंखों को चौंधिया देने वाले बम फेंका जाता है। ये भीड़ को परेशान कर देता है, लेकिन इसमें कोई भी परमानेंट नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा रबर और प्लास्टिक बुलेट की बात अक्सर होती है। ये काइनेटिक इंपैक्ट प्रोजेक्टाइल की श्रेणी के हथियार है। इसमें प्लास्टिक की गोलियों को तेजी से प्रदर्शनकारियों की तरफ भेजा जाता है। वैसे ये मेथड अक्सर दंगा फसाद रोकने में उपयोग होता है। इसमें कई बार गंभीर नुकसान भी देखा गया है। ये पश्चिम में काफी इस्तेमाल होते हैं। इसमें ऐसी आवाज पैदा होती है जो काफी दूर तक जाए और जमीन से लेकर इमारतों में भी झनझनाहट जैसा असर दिखाए। इससे लोग घबरा कर भागने लगते हैं और प्रदर्शन रुक जाता है। कई बार इसे सुनाई देने में समस्या भी परमानेंट से दिक्कत दे देती है, खासकर अगर इसे चलाने वाले लोग सही तरीके से ट्रेंड ना हो तो। प्रोटेस्टर्स जब वायलेंट हो जाते हैं तो उन्हें रोकने वाले सुरक्षा बल कई बार डंडों का भी इस्तेमाल करते हैं, और यही डंडा ब्लंट फोर्स वेपन के तहत आता है। ये पुलिस की सख्ती और कायदों का प्रतीक भी बन चुका है, लेकिन इससे गंभीर नुकसान या मौत तक हो सकती है, जो इस पर तय करता है कि इसका उपयोग कितनी जोर से और किस पॉइंट पर किया जा रहा है। हॉलीवुड फिल्मों में एक पिस्टल की तरह चीज अक्सर दिखाई जाती है, जिसे छुआते ही टारगेट को बिजली का झटका लगने से मतलब उसको शॉक टाइप का एहसास होता है। ये इलेक्ट्रोशॉक वेपन है। शुरुआत में इनसे बिगड़ैल पशुओं को साधा जाता था, लेकिन फिर पश्चिम में सुरक्षा बल भी इसको काम में लेने लगे। दंगे फसाद या सड़कें रोकने वाले प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ये हथियार चलन में आए। इनका मकसद है कि बिना लॉन्ग टर्म नुकसान के भी लोग बिखर जाए, चाहे तेज धार वाला पानी हो या आंसू गैस, इसका शॉर्ट टर्म असर ही रहता है। लेकिन कुछ समय में दिखा है कि नॉन लीथल श्रेणी के ये हथियार भी परमानेंट डैमेज दे सकते हैं। ब्रिटिश में एक पूरी शोध हुई थी, उस संस्था का नाम है ओमेगा रिसर्च फाउंडेशन। साल 2023 में इन्होंने सर्वे किया था जिसका डेटा डराने वाला। इसके अनुसार पिछले एक दशक में लगभग 1.25 लाख लोग आंसू गैस और दूसरे केमिकल इरिटेटिंग से घायल हुए हैं। क्राउड कंट्रोल वेपन के इस्तेमाल के बाद की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने पर यही पता लगा है। रिपोर्ट्स में इनसे हुई मौतों का डेटा का जिक्र नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रैक लंबा रखा जाएगा तो ये डेटा भी जरूर निकल आएगा। माना जा रहा है कि केमिकल इरिटेंट्स या फिर रबर बुलेट को जितना हल्का या नॉन फेटल माना जाता है, असल में ऐसा है नहीं। कई बार इससे परमानेंट नुकसान भी होता है, यहां तक कि टारगेट की मौत तक हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे भी अगर प्रदर्शन का हिस्सा है तो बात और बिगड़ सकती है। इसके खतरे को देखते हुए कई देश और राज्य अपने यहाँ कम घातक क्राउड कंट्रोल वेपन के विकल्प को खोज रहे हैं। यूरोप में इस पर कई बड़े शोध हुए हैं, जिसमें सरकारों को क्राउड कंट्रोल वेपन में भी कम लीथल जो ऑप्शंस हैं उनको देखने की सिफारिश करी गई है। इसमें बताया गया है कि जिन केमिकल्स या फिर बुलेट को हम शॉर्ट टर्म असर वाला मान रहे हैं, उनसे स्थायी नुकसान भी हो सकते हैं, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकते हैं, खासकर कि अगर हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास लाइसेंस ना हो या फिर सरकार उन पर ज्यादा सख्ती ना बरते तो यहां पर और भी ज्यादा बात बिगड़ सकती है। सीधी सी बात यह है।